सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक में दो युवकों की मौत के बाद तनाव का माहौल पैदा हो गया है। तो बता दें कि जानकारी के मुताबिक डेरा बाबा नानक में ठेकेदारों की तरफ से स्कूटी को साइड मारकर घटना को अनजान भड़के लोगों ने शराब के ठेकों और वाहनों को आग लगाई थी, जिसके बाद डेरा बाबा नानक में लोगों ने कस्बे को बंद कर किस तरह से विरोध जताया है वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। वाहनों में यहां पर गुस्साए लोगों की तरफ से आग लगाई गई है। तो गुरदासपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर माहौल है वो काफी गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच हमारे साथ संवाददाता भोपाल सिंह जुड़ गए हैं। भोपाल, गुरदासपुर में बेहद ही खौफनाक मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गुस्साए लोगों की तरफ से वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। जी आसमान, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिला गुरदासपुर का जो हल्का डेरा बाबा नानक कस्बा पड़ता है, जो बॉर्डर के एरिया के पास पड़ता है, वहां पर आज ठेकेदार, जो शराब के ठेकेदार, उनकी गाड़ी के साथ टकराने के बाद दो स्कूटी सवार नौजवानों की मौके पर मौत हो गई। इसके चलते जो नौजवान है उनके परिजनों की तरफ से और कस्बे के लोगों की तरफ से गुस्से में आकर ठेकेदारों की गाड़ियों को भी जला दिया और पता जो वहां का एक ठेका है उसको भी जलाने की कोशिश की गई। लेकिन मौके पर जो है उसके बाद जो है गाड़ियां हैं वो तो तकरीबन जलाई जा चुकी हैं, लेकिन ठेके को बचा लिया गया है पुलिस की तरफ से और पुलिस ने जो है वो पूरी तरह यहाँ पर तैनात किया हुआ है। बाजार पूरा लोगों की तरफ से गुस्से में आकर बंद किया गया है और पुलिस ने अभी जो स्थिति है वो कंट्रोल में ले लिया, लेकिन फिलहाल जो हल्का डेरा बाबा नानक का पूरा बाजार है वो अभी बंद बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, भोपाल फिलहाल की स्थिति की बात करें, फिलहाल क्या कुछ असर वहां पर देखने को मिल रहा है, जो पुलिस प्रशासन है उनका क्या कुछ कहना है? जी, जो पुलिस अधिकारी है उनका कहना है कि सारे मामले के ऊपर जांच की जा रही है और जो मौजूदा ठेकेदारों के खिलाफ अभी कार्रवाई जो बनती हुई है वो करती दिखाई दे रही है पुलिस, और बाकी जो कार्रवाई है वो तफ्तीश में जो जो भी दोषी पाया जाएगा इस सारे मामले में उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल भोपाल, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर गुस्साए लोगों की तरफ से इस हरकत को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है, लोगों का क्या रुख है, लोगों में कितना असर इस मंजर का देखने को मिल रहा है? तो वहीं अगर पुलिस प्रशासन की बात करें, क्या अभी तक पुलिस को पता चल पाया है जिनकी तरफ से आग लगाई गई है उनके खिलाफ कार्रवाई? जी, जो मौके पर लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, मौके पर जो वीडियो क्लिप भी बनाए गए हैं लोगों की तरफ से और जो आग लगी है गाड़ियों की वो भी वीडियो क्लिप बनाए गए हैं और जो पुलिस अधिकारी हैं वो सारे मामले के आसपास के लोगों से जांच कर रही है और फ्लैग मार्च भी पुलिस की तरफ से यहाँ पर गाड़ियों के ऊपर भी और पैदल चलकर भी निकाला जा रहा है ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। फिलहाल जो है वो स्थिति अभी कंट्रोल है, वो आगे की कार्रवाई जो है तफ्तीश के दौरान जो भी दोषी सामने आएगा उसके खिलाफ की जाएगी, लेकिन फिलहाल जो पुलिस अधिकारी हैं वो यही बता रहे हैं कि ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और बाकी जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भोपाल जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, डेरा बाबा नानक कस्बे को बंद किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो गुस्साए लोग हैं उनकी तरफ से जो वाहन है उनको आग के हवाले कर दिया गया है। तो दहशत यहाँ पर फैलाने की कोशिश, फिलहाल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर बने हुए हैं, उनकी तरफ से स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।